हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि 2020 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखते हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसमें लिखा गया है कि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू रूट टू साइन थीटा है, तो प्रूफ करके दिखाना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू रूट टू कॉस थीटा होगा। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए जो गिवन में हम लोग का दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर साइन थीटा, इस तरह से हो गया। अब साइन थीटा यहां पर मिल रहा है, तो ये दोनों को आप एक साथ कर ले, ठीक है। ये कॉस थीटा है, इसको आप ऐसे रहने दे और इसको इधर कर दे। तो इधर जो रूट टू साइन थीटा है इसको तो हम ऐसे रहने देंगे, और इसको इधर कर दिए तो ये माइनस में, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू के इधर उधर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब साइन थीटा मिल गया, तो यहाँ पे हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे रूट टू बच जाएगा, साइन थीटा बाहर निकल गया, यहाँ पे प्लस है, साइन थीटा ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ वन बचेगा, इस तरह से। अब नीचे यहाँ पे कॉस थीटा है, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब क्या करें, ये जो रूट टू प्लस वन है आप इसके नीचे ले आए, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो ये पूरा वाला टर्म आप इसके नीचे ले आए, तो इधर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा और बाई रूट टू प्लस वन, ये पूरा टर्म को हम उठा के यहां पे ले आए, और इक्वल टू साइन थीटा है ये यहां पे हम लोग लिख लिए। अब हम इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, साइन थीटा को इधर कर सकते हैं, इस पूरा टर्म को हम इधर कर सकते हैं, तो यही हम लोग कर लेते हैं। साइन थीटा को हम इधर लिख लिए, कॉस थीटा और ये रूट टू प्लस वन, इसको इधर कर लिए। अब यहाँ पे बस आप लोग रेशनलाइज कर ले। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस से ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा है, इसको आप ऐसे रहने दे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा आप रहने दे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रहने दे। यहाँ पे रूट टू है, ये भी रहने दे। माइनस वन है, ये भी रहने दे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये चल रहा है। तो ये a के जगह पे हम रूट टू अगर लेंगे तो रूट टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे अगर हम वन ले ले तो वन का स्क्वायर। तो इस तरह से ये तो साइन थीटा हो गया, इसको आप कुछ को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कॉस थीटा है, तो आप यहाँ पे इससे इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉस थीटा रूट टू, तो रूट टू कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा। यहाँ माइनस है और कॉस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। अब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, दैट मीन्स की टू माइनस वन का स्क्वायर वन। तो यहाँ पे ये साइन थीटा हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और इक्वल टू यहाँ पे रूट टू कॉस थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों को नीचे घटाएंगे तो नीचे वन आएगा, तो नीचे हम लोग वन नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे नीचे हम वन नहीं लिखे। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ आप कर लीजिए, माइनस है ये इधर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू का इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये साइन थीटा हो गया, इक्वल टू का ये माइनस कॉस थीटा इधर आ रहा है तो ये प्लस कॉस थीटा हो गया, और इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा हो गया। अब आपको देख ले कि आपको जो लाना था वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें लाना था ये आया है या नहीं आया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, यहाँ पे देख ले, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो बस यही लाना था जो कि आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार हमारे एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।